चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन रहती है आपको पता चल जाता है, साथ में समय से पहले ही आपको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, जिससे कि आप लोग काफ़ी मदद मिलती है आगे चल करके। ठीक है, तो देखिए ये वीडियो आपके लिए पर्सनली बनाया गया BBSPU के लिए, तो सभी लोग फुल वीडियो वॉच करना, क्योंकि फुल वीडियो वॉच करेंगे तभी समझ पाएंगे डिटेल को। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लगभग यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम ले रहे हैं मई में, वे तो ऑनलाइन ले रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रहे हैं, और ऑनलाइन एग्ज़ाम में लगभग देखा गया है कि ओपन बुक होता है। ठीक है, जब ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगे तो आपको घर से ही लगभग देना पड़ता है, तो इस आधार पे होते हैं। क्या BBSPU वैसा कर पाएगा या करेगा, इस मैटर पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पहली चीज़ तो समझ लेते हैं कि फुल एंड अपडेट ये है कि आपके जो 15 मई तक एग्ज़ाम स्थगित हैं, सभी को पता है, इसके अनुरूप आप लोग तैयारी करते रहिए। देखिए सभी क्लास के, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, सभी लोग अपनी पहली चीज़ तो एक चीज़ मान लीजिए मेरी पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि अभी प्रमोशन मिलने फर्स्ट ईयर वालों का केवल चांस है, आपको पता है, लेकिन उसमें समय लगेगा और इतना जल्दी आपको प्रमोशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की। देखिए BBSPU ने आज तक ऐसा नहीं किया, कभी नहीं किया है, मतलब कि वो आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन ले, जैसे कि वार्षिक परीक्षा वाले को बात मैं कर रहा हूँ। तो इसमें लगभग आप लोग हमारे अंदाज से कम नहीं तो 5 लाख से ज़्यादा लोग होंगे। ठीक है, तो 5 लाख लोग होंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना इतना आसान काम नहीं है। वो DU है, उनके पर्सनल बात होते हैं और उनको इतनी फैकल्टी मिली रहती हैं पहले से कि वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। आपका BBSPU इसका एक साइड तो सही तरीके से चल नहीं पाता है, तो फिर ये ऑनलाइन एग्ज़ाम तरफ कैसे जाएंगे, आप समझ लीजिए मेरी बात। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, खुले रूप से बोल रहा हूँ, इसमें कोई ये वो नहीं है कि नहीं करा लेगा। तो देखिए जिसका साइट ही सही तरीके से ना चल रहा हो, क्या बताएगा कि आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे ले पाएंगे। ठीक है, तो देखिए मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग अपनी तैयारी ऑफलाइन माध्यम से कीजिए, ऑफलाइन माध्यम से कीजिए, और मुझे पूरा विश्वास है 99% चांस है कि आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे। तो ये बकवास के चक्कर में मत पड़िए, आप लोग तैयारी करते रहिए। सेंटर बढ़ा सकता है BBSPU, या ऐसा कर सकता है कि प्राइवेट का पहले ले ले, या रेगुलर का पहले ले ले, या थर्ड ईयर का पहले ले ले, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ऑनलाइन की मुझे चांस नज़र नहीं आते हैं। क्योंकि जिसका भाई एक वेबसाइट नहीं संभाला जा रहा है सही तरीके से, उसमें क्या अपडेट आते हैं क्या नहीं आते हैं, ये जब सही तरीके से नहीं कर पाते। ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने के लिए आपके वेबसाइट विधिवत ढंग से होने चाहिए, आपके सिस्टम ए ग्रेड के होने चाहिए, जो कि अपने यहाँ उपस्थित नहीं है। जो बोलने को मैं स्पष्ट बात बोल रहा हूँ, तो देखिए आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम के चक्कर में मत पड़िए, ऑफलाइन एग्ज़ाम समझ करके तैयारी कीजिए। अगर कोई अपडेट होता तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता, या ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना ही होता तो ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिल गई होती। ठीक है, तो 99% चांस हैं कि आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे, उस आधार पर अपनी तैयारी कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, बने रहिए इन्फोपुर के साथ।